नमस्कार सत्यपाठ को स्वागत। आज सत्यपाठ रे राज्य सरकार जो गरीब लोकों पर जो माने भोकिला अच्छा मानों पर जो फ्लैगशिप कार्यक्रम टे चलाउंती जहाँ को सरकार कहते यहाँ गरीब कल्याण पर सरकार एक प्रतिबद्धतार प्रतीक आम से ही कार्यक्रम को लेकिन आज अध्याय जे आहार कार्यक्रम जो चली वास्तव में केते कौन ठीक ठाक अच्छा ना ये अध्याय आहार कार्यक्रम प्रसंग ये जे आहार कार्यक्रम बा योजना यहाँ निकट रे 8 वर्ष पूर्ति पालन कला सरकार यहाँ को नहीं विराट बड़ बड़ विज्ञापन खबर कागज देले जे यहाँ का गर्वर विषय जे हम 8 वर्ष धरी लगातार लोक मानू भात डालमा दे आस कथा से नुह सत्यपाठ रे आमे प्रसंगटा को एथिपाई नै नेउछु एथिपाई जे 8 वर्ष पूर्वरु 2014-15 रे राज्य सरकार ए फ्लैगशिप कार्यक्रम रो उद्घाटन करथिले घोषणा करथिले आरंभ करथिले आउ से समय रे जो माने गरीब लोक माने सहरांचल रहउछंती ए माने केही भोकिला सुअंतु नाही ए भली एक महान परिकल्पना नहीं कार्यक्रम आरंभ होता आउ भात डालमा दिया जाऊला आमर सत्यपाठ आज प्रसंग जो प्रश्न को नहीं कि जे 8 वर्ष परे राज्य सरकार का से भात और डालमा टिक छड़ा अंडाटे कहीं सामिल हो पारा ना मछ पीसटे कहीं सामिल हो पारा ना आपन गोटे अड़ुआ लगू थे जे एभली प्रश्न सहित बाभली प्रसंगे ये अंडा मछ को कहीं जोड़ा जाऊँ अनेक प्रश्न करपारती पांच टकर कौनटा मिल पार कथा पांच टकर जी पांच टंका दौची ताकू भात डालमा जो कथा उठू कि अनेक किसी दि जा पांच टंका तुलन रे कथा पांच टकर नुह कथा हूँ 25 टंका रे जे 25 टंका रे कौन भात डालमा छड़ा अंडाटे दि जा पार ना ना जहाँकि एक प्रोटीन पौष्टिकर खाद्य कथा हूँ जे राज्य सरकार 115 जो अर्बन लोकल बॉडीज अच्छी से जगार 167 167 आहार केन्द्र खोल 27 आहार रोष केन्द्र कराऊँ एकदम मॉडर्न इक्विपमेंट सह आधुनिक रोष घर करा सबकि इंफ्रास्ट्रक्चर फ्री रे दिया जाए ची। राज्य सरकार एबे आहुरी पखापाखि 17 कोटी टंका व्यय करी आहरी 56 रोष घर तैयारी करें रातिर अनेक जगार खाऊ भल कथा आम चाहू हो किंतु कहीं केवल भात डालमा भितर ये आहार भितर जो बिहार राजनीति रही आम से बिहार इकोनोमिक्सटा को आने को चाहू सामना को जे सरकार कहले कि ये पूरा घटना को जो माने महिला मिशन शक्ति SSG अच्छा तदारख कर इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फ्री पूरा दि जाऊँगी सरकार 18 टंका दौर ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन खनि निगम जेबेठ आरंभ है आज पर्यंत 146 कोटी पखापाखि 150 कोटी टंका खर्च कर सारे सरकार 18 टंका लोक दौरान 5 टंका 23 टंका आ इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रिसिटी ये तमाम खर्च को मिसले ये हूँ 25 टंका ये 25 टंका आम समस्त पैसा ये 25 टंका राज्यर पैसा लोकंर पैसा कौ नवीन बाबू पैसा नुह कह नुह जो खनि निगम ये राज्यर एक खनि निगम ये राज्यर जहाँ कि संपत्ति बिक्री कर लाभ आणुची ये 100 कोटी टंका से पुरौच भावतु ये सब पैसा किसी एसेट क्रिएट कर पारता ओडिशा खनि निगम ये सब किसी बोनस आकार 150 कोटी जो कि लाभार्थ को दि जाइए जो मैंने खटुचंती बोनस हिसाब से मिल पारता एंकर त्याग से जाऊँगी राज्य OMC एसेट क्रिएट हो जो OMC आयरन ओर फाइन्स गुड़िक एक जदि वैल्यू एडेड आयरन ओर पेलेट्स प्लांट टी यदि कराता पखापाखि 10,000 लोक प्रत्यक्ष भाव निजुक्ति पाते आहुरी OMC लाभ आहरी 4 गुण बढ़ता ये सबको छाड़ी आम आहार योजना दौर कथा उठी जे जेते बड़े 100 कोटी टंका पशुची कहीं ए बाबदे सरकार टेंडरटे करूना कहीं इंटरेस्टेड पार्टी जो मैंने अच्छा ओडिशा रे बहु कॉर्पोरेट हाउस अच्छा जो मैंने खुशी रे एति टंका आहुरी किछि टंका से माने पुरेकी आहार योजना को कार्यकारी करिवा पे आगे एसबे सरकार काहेकि जाबुड़ की धरिचंती आ ये OMC पैसा को होटे जाउची केही जानि पर्नांती आ भात डालमा रे सीमित रही होउची 8 वर्ष हला काहेकि सरकार यदि वास्तव रे गरीब के प्रति सरकार हृदय कांदुची जे भोकिला केही सुअंतु नाही सेही समय रे
ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଇଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚିଶ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହେଉଛି ପର୍ ପ୍ଲେଟ୍ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏ ବାବଦରେ ଟେଣ୍ଡର କରୁନାହାନ୍ତି ବା ଯେଉଁ କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାରିଟି ଫଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ଼ା ରହିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଜର ମଧ୍ୟ କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ କାମ କରୁଛି ଚ୍ୟାରିଟି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ଏଇଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍ ଅଛି ଯେହେତୁକି ଏଇଠି ଖଣି ଖାଦାନ ବର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ଟାଟା ଟୁ ବେଦାନ୍ତ ଟୁ ଜିନ୍ଦଲ ଟୁ ଏସ୍ଆର୍ ଟୁ ମିତ୍ତଲ ଟୁ ସମସ୍ତେ ଏ ବାବଦରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସରକାର ଏ ବାବଦରେ ଆଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି ବା ଏମାନଙ୍କୁ ପୁରାଉ ନାହାନ୍ତି ଏହା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ସିନା କୁହାଯାଉଛି ୟା ଭିତରେ ରହିଛି ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖେଳ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ଏ ବାବୁ କିଏ ଏ ସଂସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏମାନେ କ'ଣ ଏତିକିରେ ଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ ଅଡିଟ୍ରେ ପୁରା କଥା ସାମ୍ନାରେ ବାହାରୁଛି କିନ୍ତୁ ସରକାର ତ ଚାପି ଚୁପି ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ଆହାର ଚାଲୁ ମନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆହାରକୁ ଏଭଳି ଦାନ ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାତ ଡାଲମା ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖିକି ଆଠ ବର୍ଷ ଧରି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆଠ ବର୍ଷ ପରେ ଅଣ୍ଡାଟେ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ କାରଣ ପଚିଶ ଟଙ୍କାରେ ଚାଲିଛି ଆହୁରି ବହୁ କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରନ୍ତେ ସରକାର ଆହାର ଯୋଜନାରେ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନା ତ ଗରିବକୁ ଦେଉଛୁ ବୋଲି କହିକି ଓଏମ୍ସିର ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏପଟ ସେପଟ ନ ହୋଇଯାଉ ନମସ୍କାର।